ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो यानी कि हाउ टू बाईपास ओटीपी वाली वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने वो वाली जो ट्रिक थी, वो वाला जो हैक था, उसको बबसूट करके एक टूल होता है उसकी मदद से किया था। तो बबसूट को सीखने से पहले हम सबको एक एनवायरमेंट सेटअप करना होता है और बबसूट के बारे में जानना होता है। वो सारी चीज़ें तो मैंने चैनल पर सबसे पहले अपलोड करके रखी है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि बबसूट को कैसे सेटअप किया जाता है और उसका एनवायरमेंट कैसे सेटअप किया जाता है। लेकिन आगे और सारी चीज़ सिखाने से पहले मुझे आपको एक और चीज़ सिखानी है जो आपको आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, DVWA। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन यानी कि DVWA को अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो में इंस्टॉल करने के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और कौन सी यूटिलिटी को यूज़ किया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें काली लिनक्स की बेसिक्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दो नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। तो विदाउट फर्दर अडू, मेरा नाम है जील और आप सभी का स्वागत है स्पिन द हैक में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना, अपने काली लिनक्स के टर्मिनल को ओपन कर दो। उसको ओपन करने के बाद आपको वहां पर टाइप करना है cd /var/www/html/। ये चीज आप अगर कर लोगे तो आपको एंटर प्रेस करना है, उसके बाद लिखना है गिट क्लोन, उसके बाद आपका वेब ब्राउजर ओपन करो। वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद ऊपर एड्रेस बार में आपको टाइप करना है GitHub, और बाद में टाइप करना है DVWA। उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, जो एथिकल हैकर 3R वाली वेबसाइट है उसको ओपन कर लो। उसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे कहाँ पर होगी। तो आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सबसे लास्ट वाले पॉइंट में गिट क्लोन के बाजू में एक लिंक दिख रही होगी, उसको Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लो। इसके बाद इसको कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में जाओ, जहाँ पर हमने गिट क्लोन लिखा था उसके बाजू में Ctrl+Shift+V प्रेस करके पेस्ट कर दो। याद रखना Ctrl+Shift+V से ही ऑलवेज टर्मिनल में पेस्ट होता है। उसके बाद एंटर को प्रेस कर दो। एंटर को प्रेस करोगे उस तरीके से गिटहब की जो रिपोजिटरी है वो आपके कंप्यूटर के अंदर हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से चाहे कोई भी टूल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप उस चीज को इंस्टॉल अपने सिस्टम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं वीडियो को जल्दी से स्किप करता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। ऑलराइट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद हमको फर्दर काफी सारी चीजें करनी होगी। ये सिर्फ इंस्टॉल हुआ, इसको हमें रिपोजिटरी में एक्टिव करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी रिपोजिटरी को डाउनलोड कर लो, इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से एक्टिव नहीं होती है, हमको उन सारी चीज़ों को रनिंग मोड में लाना होता है ताकि हम उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ls प्रेस करना है ताकि आपको जितनी भी फाइल्स है डाउनलोड की वो दिख जाएगी। उसके बाद DVWA वाला फोल्डर होगा तो उसके अंदर हमको घुसना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, घुसने से पहले हमको chmod वाला जो मैंने बताया रन टाइम के लिए आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है chmod R777, उसके बाद आपको लिखना है DVWA और स्लैश। अब chmod हमने क्यों लिखा, chmod हमने इसलिए लिखा क्योंकि chmod को लिखने से चाहे कोई भी फाइल हो वो रनिंग मोड में आ जाती है, और 777 एक कोड है जो हमको लिखना पड़ता है, और R-R का मतलब होता है रनिंग मोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल के लिए ये वाली चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद आपको DVWA के अंदर घुसना है। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर ls प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वो दिख जाएगी। वो फाइल्स आपको जो दिख रही है वहाँ पर आपको फिर से एक बार cd टाइप करना है। उसके बाद कन्फिग वाले फोल्डर में जाना है। cd config जो भी आप लिखते हो उसके अंदर आप चले जाते हो। ls का मतलब उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है। तो ls प्रेस करोगे config.inc.php.dist वाली फाइल होगी, उसको कॉपी करना है और हमको डिस्ट को हटा देना है, डिस्ट को रीनेम करना है। इसलिए डिस्ट को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, cp यानी कि कॉपी। कन्फिग टैप प्रेस करेंगे तो जो ऊपर की फाइल है वो नेम आ जाएगा। उसके बाद फिर से कॉन्फिग प्रेस करो, टैप प्रेस करो, उसके बाद जो डिस्ट है उसको रिमूव कर दो और एंटर प्रेस करो। तो ये फाइल रीनेम हो चुकी है, उसमें से डॉट डिस्ट एक्सटेंशन हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि
हम ये सारी जो चीजें हैं आपकी स्क्रीन पर उसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन क्लियर करने से पहले एक और छोटा सा स्टेप हम कर लेते हैं। आपको क्या लिखना है, नैनो लिखना है, उसके बाद config.ink.php जो हमने टाइप किया था उसको रनिंग मोड में लाना है, उसको आपको ओपन करना है। तो आप लिखोगे नैनो तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये जो टेक्स्ट आपके सामने दिख रहे हैं उसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आपके सामने DBWA के कुछ पांच एक साथ कॉलम देखेंगे, उसके अंदर आपको DB पासवर्ड में जाके पासवर्ड को चेंज करके PASS कर देना है। ठीक है, PAWS कर देना है। उसके बाद जो यूजर है उसके अंदर रूट को इरेज करके यूजर टाइप कर देना है। ठीक है, तो आप यहां पर यूजर टाइप कर दोगे। उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+X, एक्सप्रेस करोगे उसके बाद एंटर को प्रेस कर दो, आप बाहर आ जाओगे और वो फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है CD के अंदर जाना है, सिर्फ CD लिखोगे तो सारी चीजें बैक हो जाएगी, उसके बाद आप सीधा रूट काली में आ जाओगे। उसके बाद फिर से एक बार CD टाइप कर लो ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि आप बाहर आ चुके हो। इफ यू आर नॉट अवेयर तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है सर्विस MySQL स्टार्ट। तो आपका जो MySQL होगा, आपका जो SQL सर्वर होगा आपके काली लिनक्स के अंदर, वो स्टार्ट हो जाएगा। वो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको वहां पर पासवर्ड में एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद नीचे MariaDB नॉन लिखा होगा, उसके बाजू में जाकर आपको लिखना है क्रिएट। लिखने के बाद आपको लिखना है वहां पर यूजर, उसके बाद एक कॉमा लगाना मत भूलना यूजर, उसके बाद फिर से कॉमा, फिर @ फिर से कॉमा, उसके बाद लोकल होस्ट लिखना है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लोकल होस्ट को टाइप करना है, उसके बाद फिर से कॉमा लगाना मत भूलना वरना ये कोड काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको लिखना है आइडेंटिफाइड बाय, आपको लिखना है कॉमा लगाकर लिखना है पास, फिर वापस से कॉमा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करो। अगर इस जगह पर आपका एरर आता है तो आपको ऊपर के जो कमांड है वो सेम टू सेम कमांड लिखना है, लेकिन उसके अंदर आपको जो लोकल होस्ट है उसकी जगह पर 127.0.0.1 कर देना है। मेरी मिस्टेक है, वहां पर मैं पॉइंट लगाना भूल गया, तो मैं फिर से पॉइंट लगा लेता हूँ फटाफट से वहां पर जाकर। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दो। एंटर कर दोगे तो आपका जो यूजर होगा वो क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको परमिशन देनी है, सारी परमिशन देनी होगी। तो उसके लिए आपको लिखना है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, उसके बाद आपको सेम टू सेम जो ऊपर टाइप किया था उसमें से कुछ डेटा को कॉपी करना है ऑन DBWA, मतलब हमको डेम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के अंदर सारी परमिशन देनी है इस डेटाबेस की। तो हमने डॉट मल्टीप्लाई क्यों लगाया, इसका मतलब होता है सारी जो भी जितने भी फाइल्स हैं DBWA उसके अंदर सारी परमिशन मिल जाएगी, इसलिए हम सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन से। उसके बाद टू, उसके बाद कॉमा लगा कर यूजर कॉमा @ कॉमा लोकल होस्ट, अगर आपने ऊपर लोकल होस्ट से किया है तो लोकल होस्ट लिखना, अगर 127.0.01 से किया है तो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद लिखना आइडेंटिफाइड बाय जो हमने ऊपर सेम टाइप किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर पास टाइप करना है, लेकिन हाँ याद रखना सेमी कॉलन एंड में लगाना है और ऊपर दो कमा लगाना मत भूलना। अगर यहाँ पर एरर आता है मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिविलेजेस में, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिविलेजेस हो जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपका काम हो चुका है। ठीक है, आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर का आपका काम सारा खत्म हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्लियर कर देना है, एग्जिट टाइप कर देना है। एग्जिट टाइप करोगे उसके बाद आपको नई पेज पे लिखना है Service Apache 2 start, इससे आपका Apache 2 सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लियर लिख दो। उसके बाद आपको लिखना है CD /PHP/7.3/, इससे हम /etc/php वाले फोल्डर में घुसेंगे। अगर आपके अंदर 7.3 नहीं होगा तो आपको यहाँ पर अपना वर्जन लिखना है, वो आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो, PHP वर्जन लिख के। उसके बाद Apache 2 के अंदर जाना है, LS को प्रेस करना है। LS को प्रेस करने के बाद आपको php.ini फाइल दिखेगी, उसको gedit की मदद से एडिट करना होगा। अगर आपके काली लिनक्स के अंदर gedit नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे, आपको इसके लिए नया टर्मिनल ओपन करना है, मेरे में है इसलिए मेरा ओपन हो गया। आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करके apt-get install gedit लिखोगे तो आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में सब पहले से है इसलिए मेरे में नहीं दिखा रहा है, आपके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद एक फाइल खुलेगी, उसके अंदर आपको 851 वाली लाइन पर और 855 वाली लाइन पर दो URL होंगे, URL include URL F open, ये अगर ऑफ होंगे तो इनको ऑन कर लेना है, दोनों को ऑन कर लो, भूलना मत। अगर ऑफ करके रख दोगे तो आपका DBWA काम नहीं करेगा। उसके बाद ऊपर सेव वाले बटन को प्रेस करो, इसको सेव कर दो, इसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब वापस से एक बार आपको सर्विस Apache स्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार सर्विस Apache डॉट तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार सर्विस Apache 2 स्टार्ट प्रेस करना है। ये सारी चीजें आप कर लोगे उसके बाद
बुक को वेब ब्राउजर को ओपन करना है। वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद ऊपर जो एड्रेस बार होता है उसके अंदर आपको जो अगर आपने लोकल होस्ट से क्रिएट किया तो लोकल होस्ट लिखना, अगर 127.0.01 से क्रिएट किया तो वो यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर 127.0.01/dbwa/login.php लिखना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम जो होगा वो यूजर नेम होता है एडमिन, उसके बाद जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड होता है पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये दोनों चीज टाइप करनी है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूजर नेम को और पासवर्ड को, एडमिन पासवर्ड होगा पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन कर लोगे इसके बाद आपके अंदर ऐसा नहीं खुलेगा। इसके बाद आपके जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे क्रिएट रीसेट डेटाबेस होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। अगर ये नहीं आता है तो जैसा मैंने आपको वहाँ पर लोकल होस्ट और 127.0.01 को चेंज करवाया था, वहाँ पर अगर आपने 127.0.01 किया होगा तो उसको लोकल होस्ट कर लो, अगर लोकल होस्ट होगा तो 127.0.01 कर लो, ठीक है। इसके बाद आपका जो DBWA है वो आपके सिस्टम के अंदर कंप्लीटली लोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिला, अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मैं फिर आऊंगा, हम वहां पर मिलकर बर्बसूट को पूरा सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आएगी। हाँ, छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। तो वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।